हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी दोस्तों। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फाइनल अकाउंट्स की, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप जर्नल बनाना होता है, जर्नल के बाद हम अकाउंटिंग में लेजर बनाते हैं और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद जो हम अकाउंट्स बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल होते हैं क्योंकि इससे हमें बिजनेस की सिचुएशन और पोजीशन पता लग जाती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है आपका बैलेंस शीट, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला ट्रेडिंग और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे आपको समझने में इजी होगा और फिर हम तीसरा समझेंगे बैलेंस शीट। तो दोस्तों, आइए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय और सेल करना। बिजनेस में आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं, यानी गुड्स को बाय और सेल करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिंग मीन्स होता है बाइंग और सेलिंग, ये हम सीख चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये बताता है कि बिजनेस में जो भी बाइंग और सेलिंग की है उसका रिजल्ट क्या आया है। दोस्तों, रिजल्ट से मतलब, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने गुड्स 25,000 रुपए के बाय किए, ये आपका परचेज प्राइस है, और आपने इनको सोल्ड कर दिया 35,000 पे। तो मैं आपसे पूछूं इसका रिजल्ट क्या है, तो आप इसका रिजल्ट बताओगे कि सर हमको प्रॉफिट हुआ है और 10,000 रुपीज का ये हमको प्रॉफिट हो गया, बिकॉज सेल इज मोर देन बाय। तो आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो यही बताता है कि आपने जो गुड्स परचेज किए हैं और जो आपने गुड्स सेल किए हैं उनको कंपेयर करके बताता है कि बिजनेस का रिजल्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में हम पहला ट्रेडिंग अकाउंट सीख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सिंपली गुड्स जो बाय किए हैं उनको सेल किया है, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे कि गुड्स कितने के थे और कितने पे सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स कितने के थे, उन्होंने कितने पे सेल किया, वो प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, इस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों दोस्तों, मैं आपको यहां बता देता हूं कि जो प्रॉफिट है उसकी दो लैंग्वेज हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं, और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में सकल लाभ भी बोलते हैं, यानी कि अभी ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, यहाँ पे केवल हमने परचेज और सेल को कंपेयर किया है। पर जब इस प्रॉफिट में से हम और भी बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाके वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो अभी हम केवल परचेज और सेल को कंपेयर कर रहे हैं। तो द ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों देखो, पूरा नाम तो है, मैं आपको बता देता हूं यहां लिख के, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पूरा नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला हो गया ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से क्या निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। जब यहां ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें से हम और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाइंग और सेलिंग को कंपेयर करते हैं। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें चार कॉलम होते हैं मेनली, एक होता है पर्टिकुलर्स, एक होता है अमाउंट, ये आपका अमाउंट का है, और फिर ये तीसरा आपका पर्टिकुलर्स हो गया, और फिर ये चौथा आपका अमाउंट का है, राइट। अभी आपके चार कॉलम है, मैं लिख देता हूं 1, 2, 3 एंड 4। नाउ दोस्तों, ये तो केवल कैलकुलेशन के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए जो अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस, ये बनाना या ना बनाना ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी बनाए इसे तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अब ये और समझना है आपको। पहले तो हमें समझ में आ गया फोर कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपको हेडिंग लिखनी होती है ऊपर, क्या बना रहे हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ये जब जो आपका साल है, फाइनेंशियल ईयर है, वो खत्म हो रहा है तब लिखते हैं। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च, और सपोज कर लीजिए अभी 2020 चल रहा है तो 2020। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है 12 मंथ्स, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो बिजनेस में हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, पहला चीज हमें ये समझ में आ गई थी कि ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। दूसरा, हम चार कॉलम खींचते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट में मैंने आपको सारी चीजें इन्वॉल्व की हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है।
सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में दोस्तों देखिए हम परचेज और सेल को कंपेयर करने मैंने ये बताया था। तो देखिए परचेज तो यहाँ लिख रही है और सेल लिखी हुई है यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों? रिटर्न आउटवर्ड। दोस्तों जब भी हम परचेज करते हैं तो कभी कभी हम सामान भी वापस कर देते हैं ना। आप सपोज कर लीजिए मैंने 10,000 के सामान खरीदे और मैंने 2,000 का सामान लौटा दिया जिससे भी खरीदा था एज ए बिजनेसमैन, तो एक्चुअल तो मैंने 8,000 का सामान खरीदा। तो देखो यहाँ पे वही लिख रहा है। अगर सपोज कर लीजिए मैं 10,000 का सामान बाय किया होता, 2,000 का लौटा दिया होता, तो टोटल परचेज कितनी होती? 8,000 की। इस तरीके से सेल भी देख लीजिए। सपोज कर लीजिए मैंने वो सामान 20,000 का बेच दिया और 4,000 का सामान मेरे कस्टमर्स ने मुझे लौटा दिया, तो मेरी एक्चुअली सोल कितने की हुई? सेल 16,000 रुपए की। तो दोस्तों अब आपको एक चीज और ध्यान है, परचेज सेल के अलावा और भी चीजें लिखते हैं वो आपको ध्यान देना है। देखो एक बिजनेस में हमारे पास जितना सामान स्टार्टिंग में होता है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो एक तो हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है और जब बिजनेस क्लोज कर रहे हैं अकाउंटिंग के थ्रू तो उस वक्त जितना सामान बचा हुआ है वो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें चार चीजें समझ में आई, परचेज सेल दोस्तों ये परचेज जो लिखते हैं वो डेबिट में लिखते हैं और सेल जो लिखते हैं क्रेडिट में। तो ये दो पार्ट है, एक तरीके से इसको हाफ डिवाइड कर लीजिए। लेफ्ट वाला क्या कहलाता है? लेजर में मैंने बताया था ना एक डेबिट कहलाता है और एक क्रेडिट कहलाता है, राइट वाला बिल्कुल सेम भाई। अब एक चीज है और याद रखनी है आपको, एक तो हमने परचेज सेल लिख दिया, बिजनेस के जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं दोस्तों ये मैं आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं दोस्तों? जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, वो एक्सपेंसेस भी हम माइनस करते हैं। तो एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जो सेल हुई है राइट वो सेल तो यहाँ पे है, इस सेल में से आप क्या क्या माइनस करोगे? एक तो परचेज और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो आपका निकलेगा जब हम सेल में से परचेज और एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों? प्रॉफिट। और ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम यहाँ से केवल फैक्ट्री एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, अभी ऑफिस के भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑफिस के एक्सपेंसेस हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, ठीक है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों? वेजेस, जो मजदूरी करते हैं लोग उन मजदूरों को हम वेजेस देते हैं, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको दोस्तों हम क्या देते हैं? सैलरी, ठीक है। फ्रेट क्या होता है? आपका भाड़ा बोलते हैं इसे हिंदी में, आप सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है। कैरिज इनवार्ड, ये भी आपका वही भाड़ा होता है कि आप जब सामान एक जगह से, मान लीजिए रेलवे से मंगाया मैंने सामान किसी दूसरी सिटी से, तो रेलवे से अपनी फैक्ट्री तक लेके आऊंगा, तो अगर बंदरगाह के थ्रू मंगाया तो क्लियरिंग चार्जेस लगेंगे, वरना आपके कैरिज इनवार्ड लगेंगे, डॉक चार्जेस भी बंदरगाह चार्जेस होते हैं। आपकी फैक्ट्री में जो लाइट लगती है दोस्तों, पावर ये होती है, पावर ये लाइट होती है आपकी, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, ये सारे कौन से हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। तो आपने क्या क्या किया? एक तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या लिखा? सेल और क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट साइड में क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इस सबको, ये जो आपका टोटल है, इस वाले टोटल को जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इन सारे टोटल को आप माइनस करोगे, यानी सेल में से एक्सपेंसेस और परचेज को माइनस करोगे। अगर सेल ज्यादा है और खर्चे कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपके बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर सपोज कर लो दोस्तों आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और आपकी सेल कम है, तो आपको क्या होगा? लॉस। तो आपका लॉस इस साइड आएगा, तो लॉस किस साइड आएगा? क्रेडिट की साइड। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ आएगा आपका? डेबिट की साइड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। हम दोस्तों सिंपल परचेज और सेल का ही कंपेयर कर रहे हैं, पर परचेज के हमने संग हमने कुछ एक्सपेंसेस और लिख लिए। कौन से एक्सपेंसेस लिख लिए? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। अब जो इसके बेसिस पर दोस्तों ये जो प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट, देखो क्या लिख रहा है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या लॉस आया है तो ये क्या लिख रहा है? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पूरा फॉर्मेट है, मैं भी अभी उसको दो पार्ट में डिवाइड करके सिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको ईजी हो जाए। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हुआ? आपका प्रॉफिट या लॉस निकला, उसको आप नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओगे। अब दोस्तों आइए देखते हैं दूसरा अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो इससे तो हमें बहुत क्लियर पता लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट होता है जो हमें बिजनेस के प्रॉफिट की या लॉस की सिचुएशन बताता है। कौन से प्रॉफिट या लॉस की? अभी दोस्तों हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बात की थी नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। पर अब हम कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? नेट, यानी शुद्ध लाभ, बिल्कुल जो एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है बिजनेस का। तो देखिए फर्स्ट लाइन में तो मैंने यहाँ लिख रखा है, आफ्टर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट द नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
और इन बिजनेस वन हैज टू इनकर मेनी एक्सपेंसेस अदर फ्रॉम परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। दोस्तों जो मैंने आपको भी दिखाया था ना स्लाइड में कि वेजेस होते हैं, फ्रेट होते हैं, कैरेज इन्वायर्ड, मतलब जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब हम इसमें से और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, और वो एक्सपेंसेस कौन से होंगे? ऑफिस के एक्सपेंसेस। आप मुझे नाम बताइए कोई ऑफिस एक्सपेंसेस जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ नए नाम पता है तो। जैसे आपका रेंट है ऑफिस का, आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, आप मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हो, स्टेशनरी दे रहे हो, तो इन सारे एक्सपेंसेस को आप माइनस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया व्हेन सच एक्सपेंसेस आर फर्दर डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ये फर्दर डिडक्ट होते हैं, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से एक्सपेंसेस फर्दर डिडक्ट होते हैं, देन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो लाभ बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, वो आपका शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध लॉस होगा, यानी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अब मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं दोस्तों, द एम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू एसर्टेन मने पता लगाना होता है द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस सफर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, और ये पीरियड कौन सा है? 12 मंथ, यानी 12 मंथ में आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा सर हमने ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा तो देख लिया, पर प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा क्या होगा? तो दोस्तों अब हम फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। अब सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट है, और ये जो राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपकी क्या आएंगी, यहाँ पे आपकी इनकम आएगी, और यहाँ पे जितने भी होंगे वो आपके एक्सपेंसेस आएंगे। अब देखिए चार कॉलम है, इसमें भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ करते थे। दोस्तों अभी अभी हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और अगर लॉस हुआ है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है, इस प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करनी है, हमें ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस करनी है, जिससे हमें क्या पता लगेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो दोस्तों देखिए ये हमारे सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या है। देखिए सैलरी देते हैं हम किसको, जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर हमारी लैंड रेंट पे है, लोकेशन हमारी खुद की नहीं है तो हम रेंट देंगे, स्टेशनरी के खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते हैं, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो आपका खर्चा है। सैंडरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, वो सारे एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम इकट्ठा लिख देते हैं एक जगह, तो ये आपके सैंडरी एक्सपेंसेस हो गए। कमीशन पे किया है आपने, बैड डेट्स दोस्तों आपके जितने कस्टमर हैं जिनको आपने सेल किया है, तो अगर किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया आपका नुकसान हो गया तो वो भी आपका एक्सपेंस और लॉस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी कोई एसेट है तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, हर साल कुछ ना कुछ घिस जाती है, आपको लॉस हो जाता है, तो ये भी आपका एक्सपेंसेस है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, उसमें से ये सारी एक्सपेंसेस माइनस करे, ठीक है। और अगर कोई इनकम हुई है तो उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, कमीशन मिला आपको, डिस्काउंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, कहीं रेंट मिल गया आपको, तो इस तरीके से हम सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा आया था दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में, उसमें हम एक्सपेंसेस तो माइनस कर देंगे और कोई इनकम होगी उसको प्लस कर देंगे, तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब मैं आपको बता देता हूँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे आता है। अगर सपोज कर लीजिए दोस्तों आपके एक्सपेंसेस कम है और आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट। वहीं दोस्तों अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं और आपकी जो इनकम है वो क्या है, कम, तो आपको क्या हो जाएगा, नेट लॉस। तो यहाँ पे मैं लिख दिया दोस्तों, ये आपकी इनकम है सारी इस साइड की, मैं आपको लिख देता हूँ, इनकम में से जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, नेट प्रॉफिट। ये मैं बैलेंसिंग फिगर लिखा है, मतलब ये अमाउंट आएगा। और नेट लॉस क्या, अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है तो आपका क्या आएगा, नेट लॉस। अब ये जो भी नेट लॉस या आपका नेट प्रॉफिट है दोस्तों, इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, जो आपका दूसरा फाइनल अकाउंट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब दोस्तों ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक संग बनाते हैं, तो मैं आपको कंबाइंड फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। देखिए हमने यहां तक का जो पार्ट था, ये जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों, और नीचे का पार्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर हम बनाते हैं ना कंबाइंड है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बताया था, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये किस में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आ गए जो मैंने बताए थे आपको, वेजेस थी, फ्रेट थी, डॉक चार्जेस थे, ऑक्ट्रॉय थी, ठीक है। इसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट हैंड साइड में, और अगर लॉस होता तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते, डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे आपकी सारी इनकम आ जाएगी, यहाँ पे ये आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये वही प्रॉफिट है दोस्तों जो आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या टीवी पे देखते हैं कि कंपनी को हर साल कितना प्रॉफिट हुआ या हर 3 महीने में क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। अब हम दूसरा बात करेंगे दोस्तों, दूसरा फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट के लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।